तुम्हें पता है अगर पंखे को बंद करो ना तो 1 मिनट 6 सेकंड के बाद रुकता है, और तुम्हें पता है बूंद बूंद से बाल्टी भरने में कितना टाइम लगता है, 1 दिन 16 घंटे 29 मिनट और 22 सेकंड के अंदर पूरी बाल्टी भर रही है। क्यों? नहाने गया था ना मैं कल। तो तू नहाता भी है? अबे नहाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था, पर मैं और मेरा कुत्ता ना बेड पे लेटे हुए थे, बाहर से मम्मी की आवाज आई कि हमारे घर में एक जानवर है जो इस लॉकडाउन में सिर्फ खा रहा है और सो रहा है, नहा नहीं रहा है। मैं और मेरा कुत्ता आधे घंटे तक एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये बोल किसको रही है। फिर मैं नहा के आया, यार चलो ना यार थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, 7 दिन से घर में बैठे हुए दिमाग खराब हो रहा है यार। तुझे कौन सा काम है बे? शर्म आनी चाहिए तुझे, देशभक्ति के आड़ में सड़कों पे चीखने चिल्लाने निकल जाओगे, और जब देशभक्ति दिखाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हें करना नहीं है? इसमें देशभक्ति वाली बात कौन सी आ गई? सिर्फ तुम्हारी अपनी नहीं, पूरे देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। रोज का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है सरकार का, सारे मॉन्यूमेंट्स, रेलवे, मेट्रो सब बंद पड़ा है, सोच के देखिए लॉकडाउन से उनको कितना बुरा लग रहा होगा, पर वो हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, और तुमसे सिर्फ घर में नहीं बैठा जा रहा। पुलिस वाले भी तो बाहर घूम रहे हैं ना, उन्हें भी तो कुछ नहीं हो रहा, वो इसलिए सड़कों पर है ताकि घर में बैठे बैठे हमें किसी चीज की जरूरत ना हो, और उनका बाहर खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सफाई करने वाले हैं, जो पुलिस हैं, जब वो अपने घर पे जाते हैं तो उनके अपने उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, उनके आस पड़ोस वाले उनके सामने खड़े नहीं होते, उनके साथ बात नहीं करते, जरा सोचा है उनको कितनी दिक्कत होती होगी, फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे लिए। साले 4-4 फुट के हैं वो लोग, और पूरी दुनिया बनकर आ रखी है उन्होंने। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी इनकी, आज तक सारे प्रोडक्ट इन्होंने डुप्लीकेट बनाए हैं, पर वायरस ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया में साला कोई समझ नहीं पा रहा इसे। तेरी वजह से हुआ ये, दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि हफ्ते में 7 संडे आ जाए, अब भुगतो, रोज संडे आ रहे हैं और वो भी घर बैठे बैठे बीत रहे हैं। भाई अगर भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं ना तो रोज प्रार्थना करूंगा कि सच्चा प्यार दिखे या ना दिखे, बस 2021 दिखा दे मुझे, और अगर इस बार 2021 देख लिया ना तो हैप्पी न्यू ईयर साल के आखिर में बोलना, कि पहले कंफर्म हो जाए कि ये न्यू ईयर हैप्पी है या नहीं। अगर तुम बाहर निकलते हो और किसी भी चीज पे वायरस हुआ और उस चीज पे तुम हाथ लगाते हो और तुम जब वापस घर आओगे तो उस घर में सबको वो वायरस इन्फेक्ट कर देगा। अगर कोई बंदा इस वायरस से पॉजिटिव हुआ तो डॉक्टर उसे उठा के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और इस गलत फहमी में मत रहना कि उसके परिवार वाले हॉस्पिटल जाके उसकी सेवा करेंगे, अगर वो जिंदा बच गया तो उसे घर भेज देंगे, अगर वो मर गया तो उसकी बॉडी तक देखने को नसीब नहीं होगी, अंतिम क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है, वो बस तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा रिश्तेदार मर गया है। इटली का नाम सुना है? पूरी दुनिया में अच्छा इलाज देने में दूसरे नंबर पे हैं वो, और सिर्फ 6.5 करोड़ की आबादी है उस देश की। कोरोना वायरस के आगे पूरे देश ने घुटने टेक दिए हैं, रोज 400 से 500 लोग मर रहे हैं वहां पर। इंडिया पहले नंबर पे होगा, 112 नंबर पर है इंडिया, और 135 करोड़ की आबादी है इस देश की, जिसमें से 100 करोड़ तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि वो इंसान है कि गधे। जब डेंगू मलेरिया का सीजन आता है ना, लोग वो भी नहीं संभाल पाते, यहाँ पर सारे हॉस्पिटलों में लाइन लग जाती है और जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, और यहाँ के लोग साले इतने महान है कि बीमारी कुछ होती है बताते कुछ है, कितने लोग तो शर्म के मारे बीमारी भी नहीं बताते। अगर इस सिचुएशन में यहाँ इमरजेंसी आ गई ना तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो लोगों को संभाल सके, सिर्फ एक यही जरिया है कि तुम अपने आप को अभी रोक लो, अभी संभल जाओ। किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए किसी अपने की मौत का इंतजार मत करो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, घर में बैठे रहो, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो उस वायरस को ट्रांसफर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा और वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। इसमें सरकार का साथ दो, सारी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की नहीं होती, अपने भी सर पे कुछ उठाओ, मुसीबत तुम्हारी है किसी और की नहीं। और साले इस देश के मर्दों को ना अपने आप को मर्द साबित करना पड़ता है, वो भी दारू पी के, सिगरेट पी के, लड़कियां छेड़ के, और सरकार जो कह रही है उसे ना मानकर, वरना तुम्हें कोई मर्द थोड़ी समझेगा। हमारे घर में बैठने से उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है हर रोज, फिर भी वो कह रहे हैं कि घर में बैठो, तो बैठते क्यों नहीं हो यार? तो जब हॉस्पिटल की इतनी जरूरत थी तो इतने सालों से मंदिर मस्जिद बनाने के लिए क्यों लड़ रहे थे लोग? बात सिर्फ इतनी है कि तू जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, एहसान जता रहे, और मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि तू घर पे बैठा हुआ है। साला दिल तो कर रहा है कि चाइना वालों को गला दबा दूं, पर ये बीमारी छूने से फैल रही है।